तो जय जोहर संगवारी हो आज मैं करवा चौथ की उपास हूँ और कौन कौन दीदी मन है करवा चौथ की उपास है वो कमेंट करके जरूर बताऊ। करवा माता की जय। करवा उपास में कैसे कैसे नियम धियम से पूजा करे जाते और का का सामान लो मैं यहाँ दिखात हूँ विस्तार से। देख करो माता के फोटो ले हो चुन्नी और आसन भर कपड़े ले हो करवा ले हो एक ठो शिवपुला के पार्वती भर फिर से एक ठो कही लो और इन्हें मिठाई लो वाओ मिठाई देख नंबर हमने है पांच प्रकार के मिठाई और केला और सेब और खीर बना हो रवा बना हो पूड़ी बना हो और ये सवांग ले हो और जेला जैसे किया अपन सासू माँ वाला दे जाते पूरा सवांग मतलब मोर तो सासू माँ मतलब खाली हाथे तो मैं कोई दूसरा ला मतलब दान करूँ और ये चन्नी दे ले हो चन्नी में देखूँ और लोटा और थाली हैप्पी करो लिखाए संगवारी हो पूरा सेट में आते मस्त एक नंबर और देख मोर हस्बैंड जी पूरा तरीका से वो भी तैयार हो गए हमर दमान जी है तो कैसे तो बहुत मतलब दीदी मन करवा के उपास रही थी लेकिन मतलब कैसे कैसे पूजा करती अभी करवा चौथ के उपास कर रही थी हमने अपन पति के ना लंबा उम्र के लिए रे जब मोर पहली हरे और कैसे मन तो 5 साल तो संगवारी मन ला का संगवारी मन ला अपन सहेली अपन दीदी मन ते का बोलना चाहते करवा चौथ के उपास के बारे में उपास रहना चाहिए अपन पति के लंबा उम्र के लिए और मतलब सब झकला रहना चाहिए इसे तो रीते बहुत आदमी लेकिन ग्रुप में भी पूजा करते और मैं तो अपन घर में पूजा करे तो संगवारी हो बुला रही थी लेकिन नहीं कैसे लगा तो फर्स्ट करवा चौथ मतलब उपास में हवस था संगवारी हो लेकिन एक बात है कुछ खाना पीना नहीं रहा पानी वाली सोमवार को दीपावली होती है और आठवें भी उसी वार की पड़ती है इस व्रत को वे सृष्टि करती है जिनकी संतान होती है बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकल के अष्ट कोष्ठी की आहुति की पुतली रंग भर कर बनाई जय मैया की जय गणेश भगवान की जय महादेव की जय श्री लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था उनकी एक लड़की थी वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से नीलाश करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली क्षमा कीजिए मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वहाँ अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर ली श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन को दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों से खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य विद्या उसे ओढ़ने को दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यही जमीन में आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न। उत्पादन करनी चाहिए जिसमें हमें हमारे देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुन ब्रिज वासियों ने ज्यों की पर्वत पर्वन और गोबर की पूजा आरंभ की। इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन तक घनघोर वर्षों शुरू कर दी परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर ब्रिज को बचा लिया। फलतः इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करनी पड़ी। तभी से समस्त उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुए। गोवर्धन पूजा करने में खेतों से अधिक अन्न उत्पन्न उपजात हो रोग दूर होते हैं और घर की सुख शांति रहती है। बोलो करवा मैया की जय गणेश भगवान की जय शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय जय बोले घर की डीह डोंगर की जय बोले गांव के डीह डोंगर की जय बोले गांव के शीतला माता सद भेने माता भैसा सुमार ठाकुर जी का साढ़े तो गांव के 56 कोटि नाम की जय बोले चांद सुन धरती मैया की जय बोले गायत्री माता की जय प्रेम से बोले करवा माता की उमापति महादेव की जय बोले गणेश भगवान की जय।
जय ओ साई माता मैया, जय ओ साई माता तुम को निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय ओ साई माता ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि वाता। ओम जय ओ साई माता जो कोई तुमको ध्यावत निज मंगल दाता, मैया निज मंगल आता तू ही पताल बस्ती, तू ही पताल बस्ती तुम शुभ ही दाता। ओम जय ओ साई माता अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदय रविन्दे भवं नमामि सैतं नमामि, भवं नमामि सैतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च जनं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोले उमापति महादेव की जय। क्या बोलना चाहते भामनी, चंदा मामा हाँ ये धोखा दे दी तेकर बारे में। कंप्लीट हो जैसा नहीं हो गया शायद तक आ जाना, बारिश हो ना तो पूरा बादल है ना, बहुत ज्यादा फोन भी लगा के देखी से कि रायपुर तरफ होगी बोलते ना। मस्त एक नंबर दिखाए आप भी करवा संगवारी हमें करवा चौथ के उपास रहे हो तो मेरे उपास पूरा कंप्लीट हो गए, चंदा के भी दर्शन हुए से और अपन पूरा पूजा पाठ भी कंप्लीट कर दो। और पानी गिरी तो ओकर वजह से बादल छाए ओकर वजह से चंदा थोड़ा सा दिखी तन गायब हो गए संगवारी को, अभी दिखते नहीं है। कौन कौन दीदी मतलब चंदा के दर्शन हुए थे अपना भी कमेंट करके बताओ। एकदम 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 जेनुइन थोड़ा थोड़ा बस हुई हल्का हल्का ना है ना का हो गया। ये फर्स्ट बार रहे रहे से करवा चौथ को पास कैसे कैसे मस्त लगी। लेकिन चंदा धोखा दे दे का बोला चंदा का चंदा के बारे में चंदा तो गली में इसके लिए वो चल दी सो। हाँ तो संगवारी हो कंप्लीट तरीका से हो गए हमने के विधि विधान से पूजा और करवा चौथ की भी मस्त तरीके से ही करी थे ना। तो चलो संगवारी इसी बीच मिले थे ना आप मन से विदाई मिलथन लेस्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय जय जोहार।